बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे ने बड़े बड़े स्टार्स को बॉक्स ऑफिस पर चुनौती दे डाली है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। वहीं इस फिल्म ने एक मामले में इस साल के रिलीज हुई कई बिग स्टार्स की फिल्मों को धूल चटा चुकी है। फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को कुल 5,34,00,000 रुपए की बम्पर कमाई के आंकड़े दर्ज कराए हैं। इसी के साथ सुशांत की फिल्म ने सलमान खान की फिल्म भारत, अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल और अक्षय कुमार की फिल्म केसरी को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इस साल रिलीज हुई 6 बड़ी फिल्मों को सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे पछाड़ चुकी है। दरअसल दूसरे शुक्रवार को हासिल हुई फिल्म के आंकड़ों की इस लिस्ट में अब सुशांत की ये फिल्म पहले नंबर पर पहुंच गई है। इस फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को सलमान खान से लेकर अजय देवगन तक इन बिग स्टार्स की फिल्मों से ज्यादा कमाई कर डाली है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तरन ने ट्वीट कर लिखा, छिछोरे हैज रिकॉर्डेड हायर नंबर ऑन सेकंड फ्राइडे देन सेवरल बिगेस्ट रिलीज इन 2019 सेकंड फ्राइडे बिजनेस। छिछोरे 5,34,00,000, टोटल धमाल 4,75,00,000, केसरी 4,45,00,000, भारत 4,30,00,000, गली बॉय 3,90,00,000, साहू 3,75,00,000। तो देखा आपने, छिछोरे ने सलमान, अजय और अक्षय के साथ साथ इस मामले में रणवीर की गली बॉय और प्रभास की साहू को भी मात दे डाली है। बता दें कि दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके नितेश तिवारी ने छिछोरे को डायरेक्ट किया है। फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों की तरफ से भी बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कितने करोड़ों का कारोबार करती है। वैसे आपको क्या लगता है, छिछोरे 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। बहुत एंजॉय किया, ऐसा मन हो रहा था कि यार खत्म ही ना हो, बस स्टेज पे ही बैठे रहना था। आई थिंक कभी भी कॉलेज में जब जाते हैं किसी भी फिल्म के साथ, जनरल कोई भी एक्टिवेशन के लिए, इतना प्यार मिलता है स्टूडेंट से, इतनी एनर्जी होती है पूरे ऑडिटोरियम में, इतना मज़ा आता है। सो आज भी यहाँ पे केसी कॉलेज में छिछोरे फिल्म के साथ जब आए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, जो एक्साइटमेंट थी। एंड हमारी फिल्म भी कॉलेज से रिलेटेड है और वापस गेटिंग back to a college, this is the first college visit we've done, we started off with KC college here in Mumbai and बहुत सी excitement थी और बहुत craze था और सबको बहुत पसंद आ रहा है trailer और गाने। जब हम फिल्म बनाते हैं, वो entertain करने के लिए बनाते हैं लोगों को, और हमें हमेशा experience बाद में मिलता है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास audience थी सामने, वो जिस तरीके से हमारा अपना प्यार दे रही थी और जिस तरह से interaction था, we actually felt why we are making this film, so it was really amazing and as he said, this is the first interaction with college, so it was fabulous to start with. बहुत ही यंग महसूस कर रहा हूँ आज मैं, मतलब मैं जब आया उनकी टीम की तरफ से कोई आया था और कहा कि आप चेयरपर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, तो मुझे लगा कोई 50 साल की कोई यू नो सीनियर लेडी आएगी, एंड 19 ईयर की कोई लड़की निकल के आई। सो आई वाज लाइक द ओल्डेस्ट इन दिस ग्रुप इज़ 19 ईयर ओल्ड, तो मुझे काफ़ी मैं यंग फील कर रहा हूँ आज। सर, उनका सवाल था आपको कैसा लगा? यही यंग। अच्छा अच्छा, यंग यूथ। भाई, एक्टर की ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि जिनके बारे में फिल्म बनी हो, जिनके लिए बनी हो, आप उन्हीं से मिलते हैं, और जिस तरह का रिएक्शन, वैसे तो जैसे तुषार कह रहे थे, हम बैठ के YouTube में देखते हैं कि रिएक्शन क्या रहा होगा, पर आज ट्रेलर जो है एक भरे ऑडिटोरियम, वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, हमें देखने को मिला, तो असली वाइब जो होती है फिल्म की, वो हमें रिएक्शन से आज देख कर पता लगा, एंड इट जस्ट लिफ्टेड ऑल आवर स्पिरिट्स। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए, तो फर्स्ट टाइम ऐसा अनुभव था कि मैं इस तरीके के कॉलेज में, इस तरीके के मंच में पहली बार गया, और अपने से इस वक्त बहुत कम उम्र के बच्चों के साथ बात करने की कोशिश की, तो बहुत ही अच्छा था। और फिल्म को लेकर भी ये था कि उनके चेहरे देख के ऐसा लग रहा था ये ज़रूर देखेंगे, टिकट ज़रूर खरीदेंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉलेज लाइफ में कुछ मेमोरीज़ हो जो हम शेयर कर सकते हैं। यार, हम लोग तो जैसे हमें बंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी मुझे, क्योंकि मैं थिएटर करता था, तो हमें ना स्कूल के टीचर्स ऐसी अटेंडेंस देते थे, तो हमने तो बंकिंग के नाम पे सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं, तो आई थिंक वही मेरे लिए सबसे इन्जॉयबल टाइम था। मैंने तो बंक ही किया मैंने प्योर बंक किया। मैं अमेरिका में थी एक साल के लिए, उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट किया, पर एक सब्जेक्ट में मैंने, मतलब एक सब्जेक्ट पूरा मैंने बंक किया, पूरा ही बंक किया, क्योंकि वो सबसे सुबह वाली क्लास थी, तो मैं सोती रहती थी और मैंने बंक किया, और मैं सबको कहूँगी कि ऐसा मत करो प्लीज़, क्योंकि फिर आपको फेल आ जाता है आपके रिपोर्ट कार्ड में, तो वही मिला और पेरेंट्स को पता लगता है और आप फेल हो जाते हो। डांट पड़ी थी तब उसको? हाँ, काफ़ी।
हाँ काफ़ी डांट पड़ी थी लेकिन हाँ मतलब वो फिर मैनेज हो गया। अब मेरी कॉलेज की मेमोरी की अगर बात अगर मैं करूँ तो आई थिंक जब मेरा कॉलेज का स्टार्ट हो रहा था और पहले ही कुछ दिनों के अंदर मैंने कॉलेज बंक करके हमको दीवाना कर गए देखने गया था मैं अपने दोस्तों के साथ और टिकट मेरी शर्ट की पॉकेट के अंदर रह गई थी और मम्मी जब रात को मशीन में कपड़े डाल रहे थे तो पॉकेट चेक करते हैं तो उनको हमको दीवाना कर गई कि चार टिकटें मिली तो उन्होंने बोला बेटे कब देखने गए थे तो उस पर टाइम लिखा हुआ था मैंने कहा मेरी नहीं मेरे दोस्तों की है तो मम्मी ने बहुत प्यार दिया और उस प्यार के बाद मुझे कहा कि बेटा कल से कॉलेज जाना तो मैं गया तो मेरे लिए कॉलेज है हमको दीवाना कर गए। आपके लिए क्या है? मेरे लिए धूम वन तो मैं हम लोगों ने बाढ़ बढ़ा लिए थे बाढ़ की तरह बढ़े थे से बाढ़ आ रही है तो हमको लगता था कि हम भी जॉन एब्रहम बनेंगे तो हमने पल्सर ले ली थी CBZ ये सब ले ली थी बट वो जॉन एब्रहम वाली फैक्टर हमारे अंदर थी नहीं है बट हम उस वक्त कॉलेज में ऐसे होता है कि आप ये सब नहीं सोचते आपके दिमाग में आप होता है कि हम जॉन हैं तो हमारा कॉलेज लाइफ भी ऐसी ही रहा है मतलब सब कुछ कॉलेज लाइफ खास इसलिए भी है क्योंकि जो कुछ मोस्टली जो लाइफ में फर्स्ट टाइम हम करते हैं वो कॉलेज के उस 4 ईयर्स में ही होता है अक्सर जैसे पहला प्यार पहला हार्ट ब्रेक पहली बार शराब को हाथ लगाना ये सब जो है ये फेज़ जो है तो इसलिए बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है कॉलेज लाइफ के साथ और इस फिल्म में दोबारा हमें वो मोमेंट्स जीने का मौका मिला। मेरे कॉलेज में एक मिस्टर मिश्रा हुआ करते थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे सॉरी मेरे को अभी हंसी आ रही है उनके बारे में सोच के सॉरी मिस्टर मिश्रा तो पहले 2.5 महीने कॉलेज के मैंने बंक किए थे और फाइनली उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया मेरे माँ ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की शक्ल हमने 2.5 महीने तक देखी नहीं तो मैं घर पहुँचा हो सकता है इनमें से एक पिक्चर देख के और मुझसे मेरे माँ ने कहा कि मिस्टर मिश्रा का फ़ोन आया था और मैंने बोला कौन मिस्टर मिश्रा मैं तो आम तक नहीं जानता था तो उन्हें वहीं से पता लग गया था कि मैं कॉलेज कभी गया ही नहीं था तो जितने मज़े हमने क्लासरूम में किए उतने ही बाहर भी किए थे। होली भी याद आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और हम गाड़ियों में घूमते थे और कच्चे अंडे जो भी मिलता था तो ये छिछोरापन अंडा मारते थे तो ये छिछोरापन थी हमने कॉलेज में काफ़ी करी। सर मेरा तो क्या था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था उस कॉलेज से ही मैं बोर हो गया था ठीक है तो मैं जिस शहर में ज़िले में पढ़ता था धीरे धीरे मैं उस कॉलेज से बोर हो गया था और मेरा प्लान था मैं शहर से निकलूँगा कहीं सिटी उटी में जाऊँगा पढ़ने तो घर में बहुत प्रॉब्लम थी कि घर के लोग यहीं पढ़े हैं तुम कहाँ बाहर जाओगे तो मैंने क्या किया मैंने एग्ज़ाम पे जो एग्ज़ाम होता है मैंने लिखा ही नहीं कुछ वहाँ पे एग्ज़ाम ही बंद कर दिया तब मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो बंक क्लास बंक नहीं मैंने कॉलेज ही बंक कर दिया पूरा छोड़ दिया। ये हुआ श्रद्धा मैम इसके आज ही आपने एक्चुअली वहाँ पे गई थी क्योंकि सब मुंबईकर्स को डेफिनेटली पता है कि क्या डिसीजन लिया गया है उन पेड़ों के लिए कि 2,700 या 3,000 पेड़ों को काटने का डिसीजन ले चुके हैं और आई थिंक कि 12 सितंबर को वो काटने वाले हैं एंड आई थिंक उसके पहले हम सबको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता तो आई वुड से कि एवरीवन शुड सपोर्ट दिस एंड ऐसा है नहीं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो गई है एंड उस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करने तो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। लेकिन कहीं कहीं डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटना कितना सही लगता है बट बाढ़ भी तो होगी ना डेवलपमेंट कैसे होगा तो वही कह रही हूँ कि मैंने आज यहाँ मैंने वो भी मैंने ये बात भी सुनी है आज कि एक अल्टरनेटिव भी है मेट्रो के लिए तो वो उन्हें यूज़ करना चाहिए वो सोल्यूशन बिल्कुल। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग अगर हम अपनी कंट्री में देखें फॉर एग्जांपल असम में वहाँ पे फ्लड्स इसलिए इतने आते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया है एंड आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न जिसके से हमसे हमारा बारिश होता है बॉम्बे में और जितना पानी भर जाता है पेड़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आती है। सो आई थिंक इफ यू गोना एरेडिकेट सो मेनी ट्रीज सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी वो तो पानी भर जाएगा डेवलपमेंट तो बहुत बात की बात है तो आई थिंक वी नीड टू वर्क विद नेचर रादर देन वर्किंग अगेंस्ट इट। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बिल्कुल हमको सेव करना चाहिए एंड हम श्रद्धा से इनफैक्ट यही बात कर रहे थे आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव दैट श्रद्धा इज टेकिंग एंड वी ऑल्सो ऑल वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड काइंड ऑफ गो देयर एंड वो नहीं काटने चाहिए मतलब बहुत साल लगते हैं यार एक पेड़ को पूरा 3,000 पेड़ों को जो अभी है आर्य कॉलोनी कितने साल लगे तो उसको ऐसे नहीं काटना चाहिए वो गलत हो जाएगा और कितने जानवर है पूरी लाइफ है अंदर तो इट्स रॉन्ग की पूरी लाइफ ही आप ख़त्म कैसे कर सकते यार सिंपल है जिसलिए हम जिंदा हैं हम जब सांस लेते हैं
जो 50% सांस लेने का जो प्रोसेस है वो पेट से होता है. तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 50% ऑफ द रीज़न वाई और अलाइव बाहर है तो आप उसको काट दोगे? नहीं. तो ये दैट साइंटिफिकली बायोलॉजिकली गलत है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे जब जो ऑक्सीजन हम जो सांस ले रहे हैं वो हमें पेड़ों से मिल रहा है, तो हम क्यों काट रहे हैं उसको?